गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर तक हमने एवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि एवोपोरेशन की वजह से कूलिंग महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। उसका फर्स्ट एग्जांपल अपन पढ़ चुके थे, पोरिंग द एसीटोन ऑन आवर पाम। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर ए हॉट सनी डे। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छिड़काव करना ऑफ वाटर, पानी का, ऑन द ओपन ग्राउंड, खुली सतह पर, आफ्टर ए हॉट सनी डे, मतलब एक गर्म दिन, जब गर्मियों के दिन होते हैं तो गर्मियों के दिन के बाद जब रात हो जाती है, ठंडक महसूस करने के लिए अपन रफ में जो रूफ होती है वो ओपन ग्राउंड की तरह बिहेव करती है, तो उस पर स्प्रिंग ऑफ वाटर जब पानी का छिड़काव करते हैं तो क्या होता है, देखिए, द स्प्रिंगलिंग ऑफ वाटर ऑफ द ओपन ग्राउंड। जब पानी का छिड़काव किया जाता है किसी खुले सतह पर और रूफ या छत पर, आफ्टर ए हॉट सनी डे, एक गर्म दिन के बाद, मतलब दिन के बाद, दिन जब खत्म हो जाता है उसके बाद, कॉजेज द कूलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ रूफ। कॉज द कूलिंग ठंडक का कारण होता है, ऑफ द सरफेस, सरफेस सतह की, ऑफ द रूफ, छत की जो सतह होती है उसकी ठंडक का कारण होता है। बिकॉज, क्योंकि द वाटर एवोपरेट्स बाई एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द ग्राउंड। जो वाटर को वेपर होना है, एवोपरेट्स में चेंज होना है, वेपर में चेंज होना है, तो उसके लिए वो एब्जॉर्ब करता है किसको, हीट को, फ्रॉम द ग्राउंड या रूप से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। द सराउंडिंग एयर, और आसपास की एयर से भी लेता है। इन दिस वे, इस तरीका से, द ग्राउंड और रूप बिकम कूल, जो ग्राउंड है और रूफ है वो ठंडी हो जाती है, एंड वी फील कम्फर्ट, और हम अच्छा महसूस करते हैं। कुल मिला के बात यह, गर्मियों के दिनों में जब छत को, रूफ को ठंडी करने के लिए हम पानी का छिड़काव करते हैं, तो पानी को वेपर में चेंज होने के लिए वो हीट को एब्जॉर्ब करता है उस रूफ से या उस ग्राउंड से जिस पर आपने पानी को स्प्रिंकलिंग किया है, फैलाया है, और वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वहाँ पर जो हीट है, तापमान, टेम्परेचर है, वो डाउन हो जाएगा और वो जगह ठंडी हो जाएगी, और जो हीट उसने एब्जॉर्ब की है वो कम्प्लीटली वाटर को वेपर में चेंज कर देगी। नेक्स्ट है आपका, बी बियर कॉटन क्लॉथ इन समर। गर्मियों के दिनों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, कॉटन के कपड़े हम क्यों पहनते हैं, कॉटन के कपड़े कैसे पहनते हैं, क्या कारण है कि हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं इन समर डेज। तो उसका कारण देखिए, ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, बी बियर, हम पहनते हैं कॉटन क्लॉथ, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, टू कीप आवर सेल्वस कूल, हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए, वो हमें ठंडा रखता है। अब कैसे, क्लॉथ्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम आवर बॉडी। जो कपड़े होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर, नमी को, जो वेट, पसीने के रूप में आते हैं मॉइस्चर अपन के, तो उस पसीने को, मॉइस्चर को, फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से, एंड कीप अस कूल, और इसे ठंडा रखते हैं, बॉडी को ठंडा रखते हैं, क्योंकि वो जो मॉइस्चर होती है पसीने के रूप में आएगी, प्रेस्पायर होगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देयर आर सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े होते हैं हुज मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आर एज फॉलो, उनकी जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो इस तरह से होती है। देखिए, नायलॉन, नायलॉन से ज़्यादा पॉलिस्टर एब्जॉर्ब करेगा, पॉलिस्टर से ज़्यादा टेरिकोट एब्जॉर्ब करेगा, और टेरिकोट से ज़्यादा कॉटन जो है कि एब्जॉर्ब करेगा। जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी है वो कॉटन की सबसे ज्यादा होती है। अब इसको मैं आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कॉटन की जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो पसीना जो आएगा उसका एब्जॉर्ब भी कॉटन सबसे ज्यादा करेगा।